YouTube चैनल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले तो आज 25 दिसंबर है और जो है सबको जो है मैरी क्रिसमस। मेरे वो व्लॉगर्स जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से उन सबको मैरी क्रिसमस। तो हम आए हैं माल ऑफ ओमान। जब मैं थर्सडे माल ऑफ ओमान आई थी तो हमने जो है वो नोटिस बोर्ड पे नोटिस पढ़ा था कि यहाँ पे विंटर विलेज का अरेंजमेंट है जो 24 दिसंबर से स्टार्ट है और जो है वो 15 जनवरी तक है। तो क्रिसमस थी तो फातिमा को ज़रूर हमने जो है वो विंटर विलेज जो है वो दिखाना था। तो उस टाइम तो सिर्फ ग्रॉसरी करनी थी, घर वापस चले गए थे और फिर हमने फातिमा से प्रॉमिस किया था कि सैटरडे हम उसको जो है वो विंटर विलेज दिखाने लेकर आएंगे। तो मैं वो आपको बोर्ड दिखाती हूँ जहाँ पे विंटर विलेज का बोर्ड, हर माल ऑफ ओमान के थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये बोर्ड लगाया गया था और जो है बताया गया था कि 3rd फ्लोर पे जो है वो विंटर विलेज बनाया गया है, आप लोग आएँ और इंजॉय कीजिए। तो हम लोग सब पहुंच गए हैं विंटर विलेज और बहुत ही खूबसूरत विंटर विलेज था ये। और आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करूंगी, मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आज ओपनिंग हुई है स्नो ओमान की और जो है 24 दिसंबर में माल ऑफ ओमान में स्नो ओमान की ओपनिंग हुई है, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। मैं ज़रूर आपसे वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में स्नो ओमान की जो है वो वीडियो शेयर करूंगी। हम शायद बहुत लेट पहुंचे थे और आज फर्स्ट डे था तो बहुत रश था, तो इंशाल्लाह हम जब स्नो ओमान अंदर जाएंगे तब भी मैं आपको उसकी वीडियो शेयर करूंगी। और अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो मैंने स्नो ओमान की कुछ वीडियो बनाई है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट जो है वो वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ हम सब कर रहे थे, बहुत इंजॉय और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था क्रिसमस की वजह से। जो हमारा विंटर विलेज था हर चीज़ बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट हो रही थी कि जैसे हम वाकई किसी बर्फ़ की दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ फातिमा कर रही थी इंजॉय, आपको पता है ऐसे कोई भी बोर्ड से ऐसी कोई भी चीज़ वो देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बहुत करती है मज़े। और मरियम तो अपनी ही मस्ती में थे। तो यहाँ तो यूं ही मेरे साथ बने रहिए और देखिए हमने किस तरीके से इंजॉय किया है और फुल वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा।
सब ने विंटर विलेज में बहुत किया एंजॉय, और विंटर विलेज जाके तो बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि हम जो है किसी बर्फ़ की दुनिया में आ चुके हैं। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छी चीज़ थी। और आज जो मेन चीज़ स्नो ओमान ओपनिंग थी, तो उसकी वजह से तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था हर चीज़। और मेरी तरफ़ से सबको एक बार फिर मैरी क्रिसमस। और अगर आप लोगों का साथ यूं ही बना रहा और आप लोग यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहे, तो जिस तरीके से भी ओमान में किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है या उसकी जिस तरीके से भी उसको सजाया जाता है, तो मैं ज़रूर ये तमाम वीडियो आप लोगों को दिखा के और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, मुझे जो है फुल सपोर्ट कीजिए और मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिए। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में, कुछ खाएंगे पिएंगे और घर जाएंगे। तो फैमिली के साथ यूं ही प्यार बांटिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें पूरी करेंगे तो बच्चे खुश होंगे और बच्चों को खुश देख के ऑब्वियसली माँ बाप वैसे ही बहुत खुश होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़ और एक बार फिर आप सबको मैरी क्रिसमस।